गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि आप जो कैसे बजाज फाइनेंस से प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन को कैसे चेक कर सकते हो। यदि आपके पास प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है तो आपको उसको कैसे अप्लाई करना है, यदि नहीं है तो आप अलग से भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्री अप्रूव्ड पर्सनल वो लोन होता है जिसमें कि कंपनी की तरफ से एक अमाउंट डिसाइड कर दिया जाता है या फिर फिक्स कर दिया जाता है कि ये अमाउंट तो आपको दिया जाएगा। जैसे कि मुझे 153,000 का ऑफर है, यानी कि प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है जिसको कि मैं ले सकता हूँ। अगर हम अलग से उसको अप्लाई करते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट जो अगर मैच नहीं करती हैं तो वो कैंसिल भी हो जाता है। और उसका भी प्रोसेस, दोनों का प्रोसेस आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप जो वीडियो को एंड तक बस देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। जो बजाज फाइनेंस के पहले से कस्टमर है तो आप जो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन जो है चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और आपको टाइप कर देना बजाज एक्सपीरिया पोर्टल, तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, customerlogin.bajajfinserv.in। आपको इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो लॉगिन का, ये उन लोगों के लिए हैं जो पहले से लॉगिन कर चुके हैं, ये वाला वो ऑप्शन है जो पहली बार इस वेबसाइट पर लॉगिन करें। तो लॉगिन फॉर द फर्स्ट टाइम पे क्लिक करना है। आपको अपना जो बजाज फिनसर्व में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड है तो आपको वो यहाँ पे एंटर करना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे सेंड की जाएगी 60 डिजिट की, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। जैसे कि मैंने पहले से इसमें लॉगिन किया हुआ है तो मैं इसमें लॉगिन नहीं कर पाऊँगा, तो एग्री एंड कंटिन्यू प्रोसेस पे क्लिक करना। तो आपको पासवर्ड बना लेना, पासवर्ड बनाने के बाद आपको इसको बैक आना, कट कर। आपको जो है इसी पेज पे आ जाना, तो लॉगिन का एक बटन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। यदि आपको पासवर्ड याद है तो आप पासवर्ड फिल कर सकते हो, अदरवाइज जनरेट ओटीपी पे यानी ओटीपी से लॉगिन करना चाहते हो तो ओटीपी से लॉगिन कर सकते हो। तो ओटीपी पे क्लिक। मैं पासवर्ड से लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे पासवर्ड पे अपना पासवर्ड फिल कर देना, यदि पासवर्ड भूल भी जाते हो तो यहाँ से पासवर्ड को फॉरगॉट कर सकते हो और लॉगिन पे आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार लॉगिन हो जाते हो बजाज फिनसर्व के डैशबोर्ड में। आप देख सकते हो जो भी मैंने प्रोडक्ट वगैरह फाइनेंस कराए हुए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ईएमआई नेटवर्क कार्ड, उसकी अवेलेबल लिमिट कितनी है, टोटल लिमिट कितनी है, और स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो और एनओसी भी आप जो है लोन की यहीं से निकाल सकते हो सभी की। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, तो यहाँ से आप जो है सब कुछ निकाल सकते हो। तो जैसे ही आप इस पेज पर आ जाओगे तो नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जो कि आप देख सकते हो, प्री अप्रूव्ड ऑफर, ये वाला जो ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे जैसे कि मुझे पर्सनल लोन प्री अप्रूव्ड मिल रहा है तो 153,000 का है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको आपको टिक करना है, अवेलेबल नाउ पे क्लिक करना है। आपको जो नेक्स्ट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने अमाउंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आप इसमें फिल कर सकते हो। जैसे कि 153,000 का पूरा लेना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो और एनुअल इनकम आप यहीं से देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे नीचे आना, फॉर्म को इसको फिल करना होगा जिसमें कि आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को एंटर करना है और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको कोई भी एक एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट कर लेना, उसकी फाइल भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। जैसे कि आधार कार्ड अपलोड करें तो आधार कार्ड और आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो देना चाहते हो दे सकते हो। एक आपको फ़ोटो अपलोड करना है अपना पासपोर्ट साइज का, इस पर क्लिक करोगे टेक फ़ोटो और या फिर पहले से उसमें गैलरी वगैरह में है तो वहाँ से भी आप जो है अपलोड कर सकते हो। और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ गेट इट नाउ पे जो है क्लिक, गेट इट नाउ पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपका लोन जो अप्रूव हो जाएगा विद इन 24 आवर के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर जो पैसा बिल्कुल बैंक अकाउंट में जो भी लिंक है बजाज फाइनेंस के साथ पहले से उसमें क्रेडिट करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं अलग से, जैसे जिनको ऑफर नहीं है तो आपको यहाँ पे आना है बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन जो टाइप करना है। वैसे मैंने अलग से इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई है, उसको देख सकते हो, ये वाली वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे तो अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिलता है, कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। तो इसमें कुछ फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं और ऑफर जनरेट हो जाएगा यहाँ से और उसको भी आप जो ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। और बजाज फाइनेंस कस्टमर की तरफ से आपके पास कॉल आएगी और आप कॉल के थ्रू अपना जो है लोन अप्रूव करा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम